हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बॉडी लोशन के बारे में। मैं आपको ये बनाने के बारे में बताती हूँ, उससे पहले प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर लिखिए। और मैं आपको चलो बता देती हूँ उसमें मैंने क्या क्या चीज़ यूज़ की है। ये है बी वैक्स, ये बी वैक्स मैंने घर में खुद से बनाया है। ये देखिए, मैं मार्केट से नहीं लेती हूँ क्योंकि मार्केट में क्या है, आपको 40% ओरिजिन 40% आपको ओरिजिनल मिलेगा, बाकी सब उसमें क्या मिलेगा वो मिलता है आपको पता नहीं। लेकिन ये क्या है देखिए, 100% ओरिजिनल है, ये मैंने खुद से बनाया है इसीलिए इतना पतला भी है। और इसमें लिया है मैंने मुल्तानी मिट्टी और कावलिन क्ले, ये मैंने क्या मिक्स कर रखा है दोनों को। और ये लिया है गुलाब के पत्ते हैं, उनको सुखा करके मैंने इनका पाउडर बनाया है। ये मैंने लिया है इसमें एरोमा ऑयल लेवेंडर का, और ये है कैस्टर ऑयल, और लिया है इसमें ये एलोवेरा जेल और रोज वाटर। अभी क्या करना है आपको, ये जो आपका वैक्स है इसको आपको डबल बॉयलर में गर्म करना है, ठीक है। ये देखिए, मैं डबल बॉयलर में गर्म कर देती हूँ, उससे पहले आपको बता देती हूँ। ये मुल्तानी मिट्टी मैंने ली है और इसमें मैंने थोड़ा चंदन पाउडर भी मिक्स किया है और कावलिन क्ले मिक्स किया है। कावलिन क्ले थोड़ी वाइट वाइट होती है ना, तो इसमें क्या है आपकी स्किन को, ये क्या है मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है पूरा धूल मिट्टी से, सन से। और ये रोज लिया है मैंने, रेड रोज है, इसको सुखा करके मैंने इसका पाउडर बनाया है। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और ये रोज जो है ये टोनर का काम करता है और आपकी स्किन को ग्लो लाता है। और इसमें क्या है ये क्लींजर का काम भी करता है। और ये मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर और कावलिन क्ले है। चंदन पाउडर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, चंदन पाउडर अगर आप इसे धूप में लगाकर जाएंगे तो क्या है आपको जैसे आपको आपकी स्किन जल जाती है बाहर जाने से, तो बिल्कुल नहीं जलने वाली है क्योंकि आपकी स्किन को पूरा पूरा प्रोटेक्ट करेगा। आपकी स्किन के ऊपर क्या है इसकी एक लेयर जम जाती है और ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसमें मैंने कि चंदन पाउडर डाला है, एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं चंदन पाउडर में और आपके सनटैन को भी कम करता है। अगर आपके किसी को ऑलरेडी हो रखे हैं उसको तो कम करेगा ही और बाकी आपको बचाएगा भी। और इसमें कि आपकी जो डेड स्किन होती है उसको तो रिमूव करता है, साथ में आप इसे जब बॉडी लोशन के साथ करेंगे तो आपके स्किन के जो दाग धब्बे हैं उसको ये सही करता है। तो देखिए, मैंने ये कर ले लिया, ये है लिया मैंने, हो गया ये वैक्स। थोड़ा ये मैंने बहुत कम लिया है क्योंकि ये क्या है एकदम जम जाता है। देखिए, वैक्स लिया मैंने इसमें, इसमें आपको झटपट क्या करना है, ये एकदम जम जाएगा, मैं बता देती हूँ। इसमें आपको डालना है फटाफट इसमें एलोवेरा जेल, थोड़ा सा डालना है इसमें आपको गुलाब जल, और इसको जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा क्योंकि क्या है इसमें एकदम किनारी में जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। डाला इसमें आपने जेल, आपने डाला थोड़ा सा इसमें 2-3 बूंद के करीब एरोमा ऑयल, इससे अच्छी खुशबू आती है। और थोड़ा सा आपने डाला कैस्टर ऑयल, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी भी ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ड्रॉप डालनी है। ये देखिए, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा और अभी गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा ऑयली नहीं चलता है। तो ये देखिए, इसको आपको क्या करना है, फटाफट फटाफट आपको चलाना है क्योंकि ये क्या है एकदम जमना शुरू हो जाएगा। इसको क्या है चलाते रहना है, आपको चलाते रहना है। देखिए, थोड़ा सा जम जाएगा तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए मैं बता देती हूँ। ये जम गया थोड़ा थोड़ा, इसको थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, ऐसे ऐसा कलर हो जाएगा। इसमें आपको ना कितना करना है, बिल्कुल आधी चम्मच आपको 2 चुटकी के करीब, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेना है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए अंदाजे से, देखिए आपके सामने डाल रही हूँ, ज़्यादा कावलिन क्ले नहीं डालना है क्योंकि मैंने कावलिन क्ले, मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर में तीनों मिक्स किया है। ये देखिए, ज़्यादा नहीं डालना है वरना ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। और ये चंदन पाउडर है, ये चंदन पाउडर भी ज़्यादा नहीं डालना है आपको, जैसे आपका 1 चम्मच है तो उसको आपको 1/4 से थोड़ा कम करना है। देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। इसमें आपको कैसे करना है, देखिए इसका ऐसा कलर आ जाएगा। और ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कावलिन क्ले से क्या होता है, थोड़ी स्किन आपकी ड्राई भी हो जाएगी, मुल्तानी मिट्टी है क्योंकि ये ज़्यादा ऑयली हो जाता है। आपको जो वैक्स डालते हो, वैक्स बहुत ऑयली होता है, और इसमें जब आप ये डालोगे कैस्टर ऑयल तो इससे और ज़्यादा ऑयली हो जाता है। इसी की वजह से मैंने इसमें डाला है मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, क्या है इसके ऑयल जो हो रहा है इसको थोड़ा कम कर देगा ये,
और ये देखिए आपका बॉडी लोशन, ये इतना अच्छा है, आप इसे बाहर लगा कर जाएंगे। और इससे ये जो आपको पिंक दिख रहा है, ये पिंक बिल्कुल इतना नहीं दिखाई देगा आपको स्किन में लगाने के बाद। और आपको क्या करना है, ये जो चंदन पाउडर है आपको सुखा करके पत्ते मिक्सी में पीसने के बाद ऐसे ही नहीं डालने हैं, क्योंकि ऐसे ही डालने से क्या होता है, वो थोड़े आपकी स्किन के ऊपर दिखाई देंगे। आपको उसको एक बहुत बारीक कपड़े में, बहुत ही ज़्यादा बारीक कपड़े, जैसे मलमल का कपड़ा होता है, उसमें आपको छानना है, और इतना बारीक। और मैंने ये तीनों चीज़ भी वैसे ही छानी है, क्योंकि क्या होता है इन ये चीज़ें सब थोड़ी मोटी मोटी होती हैं, और छलनी में छानने के बाद भी उसमें से काफ़ी मोटा मोटा निकलता है अगर आप कपड़े में छानोगे, और बहुत मुश्किल से ये छाना जाता है। ये इतना बारीक होना चाहिए कि अगर आप इसे हाथ में पकड़े तो ये छूट जाए, जैसे आपका ये पाउडर होता है, जैसे टेलकम पाउडर होता है, आप हाथ में लेते हो तो तुरंत छूट जाता है, इतना ये बारीक होना चाहिए, तभी आपको क्रीम में डालना है, अदरवाइज क्या आपके फेस में दिखाई देगा। और ये देखिए, ये बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को ज़्यादा ऑयली भी नहीं रखेगा। आपको धूप में आप जाओ, पूरे हाथ में लगाओ, पैर में लगाओ, और आप इसको फेस में भी लगाओ, ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए। बहुत अच्छी खुशबू भी इसमें आ रही है देखिए, और आपकी स्किन को पूरा प्रोटेक्ट करेगा। आप जैसे बाहर जाएंगे, देखिए ये कलर हो गया, मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ, देखिए ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देखिए ऑयली नहीं है और चिपचिपा तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा है ये स्किन के लिए तो आपके, देखिए, और बिल्कुल ऑयली नहीं है और इतना अच्छा है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे बाजार जाते हैं इधर उधर, या बाहर घर के बाहर जाते हैं, तो आपको क्या है सनबर्न का बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अरे तेज़ धूप हो रही है, पूरी स्किन जल जाएगी, पूरी डार्क हो जाएगी। ये क्या है, ये सब चीज़ें इसमें मैंने जो डाला है, चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, कावलिन क्ले, और ये गुलाब के पत्तों का पाउडर, ये क्या है आपकी स्किन में गुलाब जल के साथ, और साथ में ये एलोवेरा जो जेल डाला, ये आपके स्किन को ऑलरेडी प्रोटेक्ट करता ही करता है। तो ये क्या है, इसमें सब चीज़ें ऐसी ही हैं, और जब इसको आप लगाओगे तो क्या है, ये सब इसमें मुल्तानी मिट्टी, जो चंदन पाउडर है, और कावलिन क्ले, इसकी क्या है एक लेयर हो जाती है, ऐसी लेयर आपके स्किन के ऊपर चली जाएगी। तो बाहर से जब आप बाहर जाओगे, आपको डायरेक्ट जो सन रेज जो आपकी होती हैं, वो डायरेक्ट स्किन में नहीं आपकी आएंगी, देखिए बिल्कुल डायरेक्ट स्किन में नहीं आने वाली, और आपकी स्किन को पूरा पूरा प्रोटेक्ट करेंगी। और ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर ज़रूर लिखिए। थैंक यू।